हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक सैमसंग न्यू ब्रांड न्यू फ़ोन है, सैमसंग A32, और इसमें पैटर्न लगा हुआ है, तो हम इसे इजीली अनलॉक करके दिखाएंगे आपको। मतलब और इसमें जो जुड़ी जानकारी है, इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपने अभी तक टाइम बर्बाद किया हो इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए और आगे भी करेंगे, तो हमारी राय है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बात बताया है कि ये बाकी सभी फ़ोनों से अलग है। इसको हार्ड रीसेट करना और बिल्कुल एक अलग लेवल पे इन्होंने, सैमसंग वालों ने अपनी सिक्योरिटी को अपग्रेड करी है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन 100% अनलॉकिंग होगी और ये वीडियो देख के अनलॉकिंग होगी, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें और एक एक बात को समझें और सुने। और मतलब जैसा कि देख सकते हैं, और आपके आपने अगर कभी किसी फ़ोन सैमसंग के हार्ड रीसेट की हो या ना किए हो, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी भी फ़ोन सैमसंग का हार्ड रीसेट करने के लिए जनरली क्या करना होता है, फ़ोन को स्विच ऑफ करके और वॉल्यूम प्लस और पावर बटन दबा के, और फिर आपको रिकवरी मोड में जाकर वाइप डाटा क्लियर डाटा करना होता है। देन आपका फ़ोन रिबूट करके फिर आपका पासवर्ड हट जाता है। अगर यहाँ पे सैमसंग की नई वाली फ़ोन, जो भी बहुत साल से पहले की फ़ोन सब जो आ रही है, अब उसकी स्विच ऑफ भी नहीं होती, तो उसके लिए भी एक ट्रिक आता है। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन जब हम एक साथ दबा के रखते हैं तो फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होता है, जस्ट बाद हमें पावर बटन को दबा के रखना होता है, लेकिन माइनस को छोड़ के जैसे अप को दबाते हैं तो फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाता है। मतलब स्विच ऑफ होने के बाद, जैसे देख सकते हैं, अभी मैंने माइनस को छोड़ के, मतलब डाउन को छोड़ के अप को दबाया, फिर आप हमारा फ़ोन अभी रिकवरी मोड में चला जाता है, अगर अभी ये फ़ोन की सिक्योरिटी टाइट नहीं रहती तो। जैसा कि अभी से पहले जो भी फ़ोन आते थे, ये सब ऐसे ही अनलॉक होते थे, जैसे दोनों बटन दबा के रखना, डाउन और पावर, और डाउन को छोड़ के पावर को दबा देने से रिकवरी में जाता था। लेकिन ये फ़ोन बिल्कुल अलग है और बिल्कुल हटके है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने और समझें, कहीं भी स्किप ना करें। तो इस फ़ोन को अनलॉक करने के मैं दो तरीके बताऊँगा, वो दोनों बिना कंप्यूटर के, मतलब बिना पीसी के अनलॉक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि पीसी की ही ज़रूरत है और आपका पासवर्ड 100% अनलॉक होगा। तो बस आपको समझना, ट्रिक लगाना, दिमाग लगाना, और अब मतलब समझ के फिर उसको फॉलो करना है। तो मैं इसमें काफ़ी टाइम बर्बाद किया फ़ोन अनलॉकिंग के लिए, और मैंने कई पता किया और सर्विस सेंटर वाले के यहाँ भी कॉल करके पूछा कि भैया ऐसा प्रॉब्लम है, मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरे यहाँ से एक मोबाइल सेल हुआ और कस्टमर ने मोबाइल ख़रीदते ही अपना पैटर्न लगा लिया और वो भूल चुका है, क्या करें। तो उसका कहना था कि 170 रुपये के आसपास लेकर और सर्विस सेंटर उसको जाना है, मोबाइल डब्बा लेकर और बिल लेकर, फिर आपका उसका फ़ोन अनलॉक करके देगा सर्विस सेंटर वाले। क्योंकि और मैंने यह भी पूछा उससे कि भैया इसका हार्ड रीसेट तो हो सकता है ना, क्योंकि इससे पहले जो भी फ़ोन आते थे उसकी बिना कंप्यूटर की हार्ड रीसेट हो जाती थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हार्ड रीसेट नहीं होगा, बिल्कुल नई सिक्योरिटी वाली फ़ोन है और अभी तक इसका कोई हार्ड डिस्क के जुगाड़ नहीं आया, तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर आना होगा। तो आप घबराएं नहीं, इसके लिए कुछ सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, मैंने खुद ट्राई किया और मैंने किसी दूसरे शॉपकीपर को भी बताया कि भाई ऐसा बिल्कुल नया मॉडल है, इसको कैसे हार्ड रीसेट करें, तो उसको भी समझ में नहीं आया। तो हो सकता है आप ही इससे पहले टाइम बर्बाद की हो इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए और आगे भी टाइम बर्बाद करें उससे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, कुछ मतलब अगर इतना देर तक वीडियो देखें तो थोड़ा देर और देखें, और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताते हैं वीडियो के क्या टॉपिक है वो अनलॉकिंग करने के लिए। तो मैंने इतना मेहनत करने के बाद फिर इसमें क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसकी फ़ोन अनलॉक स्विच ऑफ करने के लिए आपके पास एक रास्ता है, जो पैटर्न डालना है। अगर पैटर्न डाल देते हैं तो फिर आपको अनलॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं आती है। तो उसमें क्या बनता है, अनलॉकिंग तो ऐसे हो पता ही रहेगा, जब पैटर्न तो अनलॉकिंग करेगा कौन। तो वो मेथड कब आता है यूज, जब फ़ोन को हार्ड रीसेट करना होता है, जनरली जब हैंग ऑन लोगो या फिर ये हो जाता है, हैंग ऑन हो जाता है तो। लेकिन हमें अगर पासवर्ड पैटर्न अनलॉक करना होता है तो फ़ोन को स्विच ऑफ करने का दो रास्ता है इसमें। एक तो इसका बैटरी को निकाला जाए, तो बैटरी निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसका बैक पैनल ओपन करके हीट करके फिर बैटरी निकालना और सेट की वारंटी गारंटी सभी चली जाएगी। दूसरा उपाय ये है कि फ़ोन को स्विच ऑफ होने देना। तो स्विच ऑफ करने के एक और रास्ते हैं, जो बिल्कुल बैटरी को ड्रेन किया जाए, और बिल्कुल बैटरी को ड्रेन करना मतलब 0% आना, और 0% के बाद फ़ोन को खुद से स्विच ऑफ होना, मतलब आपको वेट करना होगा कि फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो, लास्ट तक जाकर बिल्कुल 0% पर जाने के बाद फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो, और स्विच ऑफ होने के बाद आपका फ़ोन खुद से बंद, मतलब स्विच ऑफ होने के बाद आपका फ़ोन कुछ चार्ज कर लेना है, स्विच ऑफ में ही रहेगा, आपको उसको ऑन नहीं करना है। फिर ऑन करेंगे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, फिर से बैटरी ड्रेन करने का इंतजार करना होगा, आपको 5-10% कम से कम चार्ज कर लेना होगा स्विच ऑफ होने के बाद। फिर आपको वॉल्यूम प्लस और पावर बटन दबाना है, कैसे दबाना है मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो को देखें और समझें।
जैसे कि मैंने इस फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, आप मान लीजिए कि ये फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। अब हमें पावर बटन के साथ वॉल्यूम प्लस बटन दबाना है, और जैसे ही यहाँ पे सैमसंग का लोगो आएगा आपको पावर बटन छोड़ देना है। एकदम सेम यही आपके साथ अपने फ़ोन में भी करना है। और देख सकते हैं ये फ़ोन अभी रिकवरी मोड में चला गया, कितनी आसानी से गया आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल कोई मतलब इसमें लोचा ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको नीचे में आना है थोड़ा सा डाउन की दा के दबाकर, और यहाँ पे वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे आना, और यहाँ पे आपको पावर बटन दबा देना है, मतलब पावर की दबाना है जैसा। उसके बाद दबाने के बाद नीचे आपको आना है फैक्ट्री डाटा रिसेट पे, फिर से आपको पावर बटन दबाना है, और यहाँ पे जैसे वाइप कंप्लीट होता है देख सकते हैं, यहाँ पे वाइप कंप्लीट होता है तो हमें एक ऊपर में ऑप्शन आएगा रिबूट सिस्टम नाउ, तो यहाँ पे हमें पावर बटन दबाना है सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे, और फिर आपका फ़ोन रिबूट होगा। अगर आपके फ़ोन में वाइप डाटा का ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि आपका फ़ोन लोन पे लिया हुआ फ़ोन है, और आपकी फ़ोन की हार्ड रिसेट नहीं हो सकती। उसके लिए सिर्फ आपको सर्विस सेंटर ही जाना होगा। बाय द वे कोई उपाय नहीं है, उसका एक और उपाय है जो इस वीडियो में मैं नहीं समझा सकता, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा, जो फाइनेंस वाली फ़ोन को हार्ड रिसेट कैसे करें, मतलब लोन पे लिया हुआ फ़ोन को हार्ड रिसेट कैसे करें, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देख ले। अगर इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा आपको, अगर वीडियो बना के डालता हूँ तो। बाय द वे आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अपना प्यार बरसा सकते हैं वीडियो को लाइक कर, और हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक, मतलब टेलीग्राम ग्रुप लिंक, और मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे मिल जाएगा, क्योंकि मैं सभी फ़ोन की अनलॉकिंग करता हूँ, और मतलब अनलॉकिंग सेवा कर देता हूँ किसी भी शॉपकीपर वाले को या फिर इंडिविजुअल जिनका फ़ोन ऑनर हो। और ये मैं इस वीडियो में एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी मतलब ये फ़ोन हार्ड रिसेट या फिर अनलॉकिंग ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का गलत इस्तेमाल ना करें, और किसी भी स्टोलन वाली फ़ोन का अनलॉकिंग ना करें, क्योंकि इससे आपको भारी नुकसान हो सकती है, आप अगर समझदार हो तो समझ सकते हैं। तो बाय द वे मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और बताता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी फ़ोन को अनलॉकिंग करने के लिए, ओप्पो वीवो रियलमी सैमसंग नोकिया MI वगैरह किसी भी फ़ोन, आईफोन आईक्लाउड कोई भी फ़ोन हो, अनलॉकिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने वीडियो को थोड़ा कट किया है बीच में, और इसलिए क्योंकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि फ़ोन को हार्ड रिसेट होने के बाद काफ़ी लंबा टाइम लगता है, और मैंने स्पीड भी बढ़ा दिया था वीडियो को। तो देख सकते हैं कि जैसे कि फ़ोन ऑन हो गया, यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन आ रहा है, वाईफाई स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, तो आगे स्किप करके बढ़ जाए। अगर वाईफाई स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर फ़ोन में गूगल अकाउंट लॉक यानी कि FRP फैक्ट्री रिसेट प्रॉब्लम जो होती है वो आती है, तो उसके लिए आपको फिर इसको बाईपास कराना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, मिल जाएगा आपको। तो आपके पास उसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप होना जरूरी है, बिना कंप्यूटर या लैपटॉप का नहीं हो सकता, और 2 मिनट भी नहीं लगता है अनलॉकिंग करने में, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय द वे आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं, अगर कोई वीडियो मिलता है इसको बाईपास करने का। तो अगर ये दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहेगा।